मैं हमेशा अपने बहुत सारे वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स को हमेशा अपडेट रहना चाहिए। क्यों अपडेट रहना चाहिए? क्योंकि जब आप एकेडमिक कोर्सेज करते हैं, वो बैचलर ऑफ फार्मेसी, मास्टर ऑफ फार्मेसी या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी हो, तो उसमें आपको एकेडमिक नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज मिलता है और साथ में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलता है लेबोरेटरीज में। लेकिन वर्ल्ड में आपके फील्ड्स के रिलेटेड क्या चल रहा है, कौन से रिसर्चेज चल रहे हैं, कौन से अपडेशन है, कौन सी कंट्री ने क्या किया, इसके सारे आपको अपडेट्स मालूम होने बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपको आपकी फील्ड्स के बारे में बहुत और जानकारी मिलती है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना करियर भी डिसाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसमें बहुत ही मदद होगी। तो बहुत बार मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि वो कौन सी साइट है जिससे हम अपडेट रह सके, कौन से ब्लॉग्स वगैरह है या कौन सा जर्नल है, आप मुझे बताइए जिससे मैं उसको पढ़ के अपडेट रह सकूँ। तो डेफिनेटली आज इस वीडियो में मैं आपको वही सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। टॉप साइट्स इन इंडिया, वो चाहे न्यूज़ की हो या चाहे जर्नल हो या फिर मैगजीन्स हो। तो आज का इस वीडियो एक स्पेशल है क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स को अपडेट रहने में बहुत मदद करेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत तक जो लास्ट में जो मैं मैगजीन बताने जा रहा हूँ या फिर वो जो जर्नल बताने जा रहा हूँ, वो इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने बनाया हुआ है और आप उसमें आर्टिकल भी लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले पोर्टल के बारे में बात करते हैं। पहला जो साइट है वो है फार्मा बीट्स। वो एक्चुअली न्यूज़ है, फार्मास्यूटिकल रिलेटेड के सभी न्यूज़ इस वेबसाइट में इंक्लूड रहते हैं, रोज के रोज़ ये अपडेट्स रहते हैं। तो आप इसमें ज़रूर विजिट कीजिए फार्मा बीज में। मुझे ये क्यों पसंद है, क्योंकि फार्मा बीज में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो बहुत सारे नॉमिनेटेड कंपनीज़ के ऑलरेडी चेयरमैन रह चुके हैं, जैसे एसोसिएटेड कैप्सूल, जैसे जेबी केमिकल्स, और साथ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिलेटेड भी एक्सपर्ट्स इसमें हैं, इंटरनेशनल कंसल्टेंट भी इसमें हैं, और साथ में जो ड्रगिस्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन भी इसमें हैं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे फील्ड्स है इंक्लूड करके जो एक्सपर्ट्स है, तो ये यहाँ पे हैं। तो इसके लिए ये एक अच्छा पोर्टल है, आपको अपडेट रखेगा। नेक्स्ट है 99 फार्मा एंड केमिकल्स। ये एक्चुअली मैगजीन है जो आपको केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स या फिर साइंटिफिक फील्ड्स, वेरियस साइंटिफिक फील्ड्स, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल सर्जिकल्स, फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज में जो साइंटिफिक लेबोरेटरी है, तो उसके रिलेटेड सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है। ये एक मैगजीन है, इसका एप्लीकेशन भी है। बहुत बार अगर आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो इनका सब्सक्राइब भी करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये एक बार तो विजिट कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट पोर्टल है इंटरनेशनल जर्नल फॉर फार्मास्यूटिकल रिसर्च स्कॉलर्स। ये एक न्यू आइडिया जो रिसर्च में होते हैं उसमें इन्वेंट कौन से करने हैं, उसमें डिस्कशन करने वाला पोर्टल है जिसमें आपको नए नए रिसर्च पेपर्स मिलेंगे। ये एक बेस्ट पोर्टल है जहाँ पे आप अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि इनका रीच बहुत ज़्यादा है, तो वो आपको बहुत सारे ऑडियंस तक लेके जाएगा। और साथ में ये क्वार्टरली पब्लिश होने वाला मैगजीन है, जैसे इसका मंथ रहता है जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, ऐसे क्वार्टरली पब्लिश होता है। तो आप यहाँ पे विजिट करके खुद के आर्टिकल्स या खुद के रिसर्च पेपर यहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल दर्पण। ये एक न्यूज़पेपर है, अराउंड 2.5 लैक्स इसके रीडर्स हैं, तो ये आप एवरीडे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेडिट फार्मा। अब रेडिट फार्मा ये भी एक न्यूज़पेपर जैसा है, यहाँ पे फार्मासिस्ट जो रिलेट फार्मासिस्ट फील्ड्स के स्पेशलिस्ट के साथ आप डिस्कशन कर सकते हैं, ऑनलाइन डिस्कशन कर सकते हैं, और यहाँ पे एक न्यूज़ भी आपको मिलती है अपडेटेड। नेक्स्ट है फार्मा फोकस एशिया ब्लॉग। और जैसे इस साइट में लिखा है एशिया ब्लॉग्स, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के रिलेटेड जितने ब्लॉग्स हैं, जितने अपडेट्स हैं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है TOSC, टोस्क फार्मा ब्लॉग्स। मतलब यहाँ पे भी ब्लॉग्स रिलेटेड, लेटेस्ट न्यूज़ रिलेटेड सब भी आर्टिकल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ये भी आप एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। फिर फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के रिलेटेड जितने रिसर्च है, जितने अपडेट्स हैं, जितने न्यूज़ आते हैं और फ्यूचर कैसा रहेगा, इसके सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड जो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे करियर कर रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छा पोर्टल है।
और लास्ट में बात करूंगा वो है मेरा फेवरेट है इंडियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, ये इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के कंट्रोल में, मतलब उन्होंने ही पब्लिश किया हुआ है, और साथ में ये बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पे देते, ब्लॉग्स देते, रिसर्च पेपर यहाँ पे आते, एनी वन कैन राइट हियर देयर आर्टिकल्स एंड ऑल्सो रिसर्च पेपर। आपको ये फॉर्म में फिलअप करना पड़ता है और उसके बाद ये सबमिट करना पड़ता है, वो चेक करने के बाद अच्छा लगा तो वो आपको पब्लिश कर देंगे उनके साइट पे, और इनका रीच भी बहुत अच्छा है, तो मंथली इनके आर्टिकल्स या ब्लॉग्स या मैगजीन्स ये पब्लिश होते हैं। रेगुलर अपडेट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं, वो है फार्मास्यूटिक्स, बायोफार्मास्यूटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोलॉजी के रिलेटेड सभी टॉपिक्स लाइक टॉक्सिकोलॉजी, देन एनालिसिस, क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, फार्माकोग्नोसी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये सारी चीज़ें अहम चीज़ें ये यहाँ पे कवर होते हैं। तो मैंने इस वीडियो में कोशिश की है आपको कि एक अपडेट रहने के लिए कौन से साइट विजिट करना ज़रूरी है, आप यहाँ पे ज़रूर देखिए। मैं कोशिश करता हूँ और कुछ चीज़ें आपको मेरे अगर मुझे दिखी तो उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, और डेफिनेटली मैंने जो लास्ट वीडियो में कोर्सेज बताए ये आप ज़रूर कीजिए, आपके ये करियर के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगी ये कोर्सेज, और आपके रिज्यूमे भी बहुत स्ट्रांग रखेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक शेयर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।